प्रेजेंट करती हूँ मैं स्क्रीन को। स्क्रीन सबको विजिबल है? आवाज ठीक से आ रही है? ठीक यस मैम, है। तो कल हमने डिकम्पोजिशन पढ़ा था, इसको रिपीट करने की जरूरत है या आगे चल लें? मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया था। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्या होता है डिकम्पोजिशन, कोई बताएंगे? डिकम्पोजिशन ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का, जो डिकम्पोजिस इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में होता है, जैसे कि CO2, वाटर और न्यूट्रिएंट्स। हाँ जी, डिकम्पोजिशन मतलब ये होता है कि एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, एक शेप है उसका, है ना, एक लाइफ साइकिल को वो मेंटेन करता है, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट सब चल रहा होता है। ईच एंड एवरी टाइम में उसको एनर्जी भी चाहिए, है ना, उस एनर्जी को वो यूज भी करता है। लेकिन जब वो डेड हो जाता है, जैसे कि ट्री है उससे पत्ता निकल गया, जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, तो क्या हो गया कि उसकी जो लाइफ है वो एक तरह से खत्म हो गई। उसकी जो प्रोसेस है आगे बढ़ने की, ग्रोथ डेवलपमेंट या जो उसको फूड चाहिए, वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं। अब जब वो एक तरह से डेड हो गया तो वो अपना प्रोटेक्शन कर नहीं सकता, तो क्या हो जाता है कि धीरे 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 वो डिकेइंग प्रोसेस उसकी शुरू हो जाती है, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसका फूड वो बन जाता है। तो उसका डिकेइंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। जिन इंग्रेडिएंट से, जिन भी चीजों से वो बना हुआ है, धीरे धीरे उसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसकी हमने 5 प्रोसेसेस पढ़ी थी, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप होती हैं सब चीजें, है ना। पहले वो फिजिकली ब्रेकडाउन होगा, उसका शेप, जो शेप में वो था वो शेप उसका गड़ वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरी चीजें जो एनवायरनमेंट की चीजें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उस पे काम करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब वो अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो जो चाहे वो उसके ऊपर आ सकता है, उसको यूज कर सकता है ना। तो धीरे धीरे वो टूटेगा, फिर उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो भी केमिकल कंपोजिशन है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाता है। जहां जहां जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो वहां चली जाती हैं, जैसे वाटर कंटेंट है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है अर्थ, है ना, जिस भी लैंड पे वो पड़ा है। और उसके बाद में कैटाबॉलिज्म हो जाए। कैटाबॉलिज्म को हमने क्या बोला था, किस तरह से है ये देखिए। इसमें फंगस और फंजाई जो है ये अपना घर बना लेते हैं उसमें, और यहाँ ये जो प्रोसेस है ये नीचे जो है वो डिकेइंग इसकी चलती रहती है, क्योंकि ये जो फंजाई और बैक्टीरिया है ये इसको इसका फूड है, जो डेड एनिमल है, डेट्रीरियस जिसको हमने बोला है, तो ये इसको खाते जाते हैं उसको, और उसको और उसका शेप और साइज बहुत छोटा 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 होता जाता है, और धीरे धीरे ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कहा है ह्यूमिसिफिकेशन, ह्यूमिसिफिकेशन, और फिर मिनरलाइजेशन, फिर उसका जो है वो मिनरल में जो भी उसका मिनरल कंटेंट है उसमें, कि नाइट्रोजन है या फॉस्फोरस है या कैल्शियम है, जो भी चीजें हैं उसमें वो डिकम्पोज पूरी तरह से हो जाता है, पूरी तरह से उसी तत्वों में मिल जाता है जिससे कि वो बना हुआ है। चलिए आज पढ़ेंगे हम एनर्जी फ्लो। तो अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में किस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है, क्योंकि आप यदि कोई फूड ले रहे हो, कुछ खा रहे हो, तो क्यों खा रहे हो? क्योंकि आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो चीज चाहिए, है ना, आपकी आपको एनर्जी चाहिए उन सब चीजों के लिए। तो आप को वो एनर्जी किसी से मिल रही है, और उस चीज को एनर्जी किसी और चीज से मिल रही है, तो इस तरह से ये एक एनर्जी का एक पूरा फ्लो है। जिस तरह से एक फूड चेन होता है, उसी तरह से एनर्जी का भी एक चेन होता है, एक फ्लो होता है। अब जो सबसे पहला जो सोर्स है, जो एनर्जी को देता है कोई भी लिविंग बींग को एग्जिस्ट करने के लिए इस दुनिया में, वो है सन। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स। जो भी इकोसिस्टम इस अर्थ पे, इस बायोस्फीयर में है, सबके लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? सन। ठीक है,
हालांकि डीप सी में जो हाइड्रोथर्मल हम इसको यूज कर बोलते हैं, लेकिन उस पानी में जो भी इंग्रेडिएंट्स आते हैं, जो भी केमिकल कंपोजिशन होता है, उसमें सन का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसलिए सन इज द बेसिक सोर्स, द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम एग्जिस्ट इन अवर बायोस्फीयर, इन अवर वर्ल्ड। अब इस सोलर रेडिएशन का सिर्फ 50% जो है वो फोटोसिंथेटिकली यूज होता है, मतलब फोटो मतलब कि लाइट, उस जो वो पोर्शन ऑफ लाइट कितना है जो सिंथेसिस किया जा सके, जो यूज किया जा सके प्रोड्यूसर्स के द्वारा, है ना, तो वो है सिर्फ 50%। तो उसको हमने कहा है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, क्योंकि बाकी रेडिएशंस जो हैं वो फूड के लिए, एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। अब उसमें से भी जो प्लांट्स होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिक्स सोलर रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड, वो अपने अकॉर्डिंगली उसको यूज करते हैं, किसको कितना चाहिए और नहीं चाहिए। जैसे कि अभी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अलग होंगे और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये अलग होंगे, इनको उतना नहीं चाहिए, बाकी ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू अपना फूड बना लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, ठीक है। इसीलिए उनको ये जो सारी चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड फूड बनाती हैं, कीमोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाती हैं, या प्लांट्स हैं, इन सबको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे डोंट डिपेंड ऑन एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सेल्फ अपना ही काम खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। अब जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ 2 to 10% ऑफ दिस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का यूज करते हैं, पार, PAR, ठीक है। कितना परसेंट? देखो टोटल जो रेडिएशन आता है सन से उसका 50% जो है वो यूज होता है, उसमें से भी एक्टिव रेडिएशन है, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई इसको यूज करता है। और प्लांट्स कितना यूज करते हैं, कितना कैप्चर कर पाते हैं? सिर्फ 2 to 10%। एंड दिस एनर्जी सस्टेन्स द एंटायर लिविंग वर्ल्ड, सारा जो लिविंग वर्ल्ड वर्ल्ड है वो इस सिर्फ 2 to 10% ऑफ सोलर एनर्जी पे डिपेंड करता है। इकोसिस्टम ओबे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स तो आप लोगों ने जरूरी नहीं है कि पढ़ा हो, लेकिन एनर्जी के ऊपर थर्मोडायनामिक्स के थ्री लॉज हैं। उसमें फर्स्ट जो लॉ है वो ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी है यहाँ वो कन्वर्ट होती रहती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, है ना, लाइट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, इसको हम मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, तो इसमें कन्वर्जन हो सकते हैं, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होती है, ना उसको एक तरह से बनाया जा सकता है, कन्वर्जन हो सकता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ठीक है। तो इनको क्या चाहिए? एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी जो है हमको चाहिए होता है, किसके लिए? टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स, एंड इट हेल्प्स टू काउंटरैक्ट द एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? इसके अगेंस्ट है, मतलब कि एंट्रोपी मतलब एक तरह से आप कह लो कि रुक जाना किसी भी चीज का, ना कोई इंटरप्शन या जो ग्रोथ डेवलपमेंट है वो रुक गई है, कहीं कहीं सस्टेन कर गई है, तो इसको काउंटरैक्ट करने के लिए, मतलब उसको ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहिए रहती है वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को मिलती है, और मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो करके एक एनर्जी सोर्स बनाते हैं जिससे कि ग्रोथ पॉसिबल है, डेवलपमेंट पॉसिबल है, मूवमेंट पॉसिबल है, तो ये काउंटरैक्ट करता है एंट्रोपी को, ठीक है। अब एनर्जी फ्लो होता कैसे कैसे है? तो सबसे पहले जो एनर्जी का जो बेस है वो है सन, और उसके बाद ये सनलाइट से कहाँ जाती है एनर्जी, कौन जो है बेसिक कहना चाहिए कि मीडियम है बाकी के वर्ल्ड को, बाकी के इकोसिस्टम को सरवाइव करने के लिए, तो वो है प्रोड्यूसर्स। इसीलिए इनको कहा है प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपने पे डिपेंडेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने आप ही अपना फूड सर्कल, फूड वो बनाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, ग्रोथ इनका अपने आप होता है, ठीक है। सो दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसाइजेस फूड। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मेजर जो प्रोड्यूसर है वो कौन है? हर वुडी प्लांट्स हैं या हर्ब, हर्बेशियस, हर्बेशियस मतलब जो हर्ब्स हैं, ग्रास हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं कई कई बड़े बड़े,
कुछ हर्ब्स होती हैं जिसको कि हम यूज कर लेते हैं अपने बेनिफिट के लिए, है ना। श्रब्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं जिनको हम झाड़ियाँ कहते हैं, है ना, छोटे छोटे श्रब्स। तो ये सारी जो चीजें हैं ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में है। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या क्या है, उन वहां पे जो ये जो ग्रास है जो एक्वेटिक सिस्टम में है, जैसे कि पानी में है या फिर पॉन्ड में भी हो सकता है, वो पानी सी में भी हो सकता है ना, ओशन का भी हो सकता है। तो वहां होते हैं फाइटोप्लांक्टन्स, है ना। वहां का जो ग्रीन, ये एल्गी का ही एक वो कह लो जो कि पूरे बेस पे रहता है, और उसके ऊपर जो है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जू प्लैंक्टन जिनको कहते हैं, वो डिपेंड करते हैं, और उसके बाद में फिशेज एंड ऑल दैट, फिर वो अपना एक अलग इकोसिस्टम बना लेते हैं। लेकिन जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है एक्वेटिक सिस्टम का वो है फाइटोप्लैंक्टन। फिर एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर इज पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाइज। मतलब दो तरह से एनर्जी है, या तो वो ट्रांसफर कर दे प्रोड्यूसर, और या फिर उस एनर्जी के साथ ही धीरे धीरे डिके हो जाता है, ऑर्गेनिज्म डाई आउट हो जाता है, पूरी तरह उसकी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाता है यदि। तो इस तरह से जो कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेगा उसमें वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। अब किस तरह से ये फ्लो होता है उसको हम देख लेते हैं। एक फूड चेन यहाँ पे बनाई गई है कि प्रोड्यूसर हमने समझ लिया कौन कौन से प्रोड्यूसर होते हैं, पानी में कौन से होते हैं, जमीन में कौन से होते हैं, और इनको कंज्यूम करने वाला, इनसे जिनको एनर्जी मिल रही है उनको हम कहते हैं हिटरोट्रॉप्स, ठीक है, या कंज्यूमर। अब ये कौन कौन से एनिमल हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो फूड पे डिपेंड करते हैं। इनमें सबसे पहले जो इस प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब क्योंकि ये प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं इसीलिए इनको कहते हैं हर्बीवोरस, विच द एनिमल्स विच आर फेड ऑन प्लांट्स, है ना। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हर्बीवोरस होते हैं, तो इंसेक्ट्स हो सकती हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, मैमल्स हो सकते हैं, और मोलस्क्स हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होंगे, जो प्राइमरी कंज्यूमर को अपना फूड बनाते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। अब जो क्योंकि एनिमल को खा रहे हैं तो इसीलिए इनको कहते हैं कार्निवोरस। अब क्योंकि ये कौन से एनिमल को खा रहे हैं, ये हर्बीवोरस को खा रहे हैं जिन्होंने प्लांट्स को खाया है, इसीलिए इनको कहते हैं प्राइमरी कार्निवोरस, ठीक है। अब ये कौन कौन से होंगे, ये फ्रॉग भी हो सकता है, फॉक्स भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है। उसके बाद में जो थर्ड लेवल का आता है वो है टर्शरी कंज्यूमर्स, वो कंज्यूमर्स जो कि प्राइमरी कार्निवोरस को खा रहे हैं, मतलब कि वो उनको खा रहे हैं जो ऑलरेडी किसी एनिमल को खा चुके हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, ये टाइगर हो सकते हैं, लायन हो सकते हैं, जनरली यही होते हैं जो कि कार्निवोरस को खा लेते हैं, कार्निवोरस को भी खा लेते हैं और मतलब प्राइमरी कार्निवोरस को खा लेते हैं। तो वो जनरली टाइगर और लायन जो हम अभी तक जानते हैं ये होते हैं। अब इसको यहाँ पे पिक्चर में देख लेते हैं कि किस तरह से, अब ये यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे सनलाइट की हेल्प से ग्रास डेवलप हुई, उसको उस ग्रास पे कौन डिपेंडेंट है, ये ग्रास ऊपर कोई भी इंसेक्ट आप ले सकते हो, वो इस ग्रास को खाएगा, इसकी पत्तियां खाएगा, जो भी इसको फूड चाहिए वो यहाँ से ये लेगा। उसके बाद में इस ग्रास ऊपर को फ्रॉग भी खा सकता है, कोई बर्ड भी खा सकता है, डिपेंड करता है। इट्स नॉट दैट कि वो कोई फिक्स ही चेन होगी, ऐसा नहीं है, डिपेंड करेगा कि कौन किसको खा रहा है, तो उस हिसाब से हम उसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर्स बोलेंगे। तो अब ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसने प्राइमरी कंज्यूमर को खाया है, ठीक है। अब ये सेकेंडरी कंज्यूमर क्योंकि इसने किसको खाया है, जिसने घास को खाया है, ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इसको आप कार्निवोरस नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको आप यहाँ पर कार्निवोरस नहीं बोलेंगे। कार्निवोरस आप किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्योंकि ये एनिमल को खा रहा है, ठीक है, ये एनिमल को खा रहा है। तो ये हो गया आपका, अब यहाँ पर इन्होंने सेकेंडरी कंज्यूमर लिखा है, लेकिन इसको आप कार्निवोरस नहीं बोलोगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि
हाँ, इसने ग्रास ओपर को खाया है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी कार्निवोरस। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर तो है ही है, प्राइमरी कार्निवोरस। और इसको किसने खाया? इसको खाया स्नेक ने। अब ये क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए स्नेक क्या हो गया? टर्शियरी कंज्यूमर, थर्ड वाला। अब इसको ये भी खा, हॉग भी खा सकता है, कोई और बड़ा एनिमल भी खा सकता है, तो ये आपका हो गया फाइनल कंज्यूमर्स। इसको आगे भी बढ़ा सकते हो आप, इस पे लायन इसको खा गया या ऐसे कुछ। तो ये टर्शरी कंज्यूमर्स को ही हम लास्ट चेन बोलते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि जो एनर्जी इसको मिल रही है ना, वो कुछ परसेंटेज की मिलती है, तो उसके आगे हम जनरली नहीं बढ़ाते हैं कि बस अब ये नंबर ऑफ एनिमल्स इसको खा सकते हैं, इसलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं। अब यदि ये डिके हो गया, ये यदि मर गया, तो इसके ऊपर पैदा हो जाएगा, ये डिके होने लगेगा, डिकम्पोज होने लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? फंजाए और एल्गी, फंजाए जो है इसके ऊपर आने लग जाएंगे, तो ये डिकम्पोजर्स होंगे। ये फाइनल इन्होंने यहाँ पर कंक्लूड किया है। एक और चेन जो है, जनरली जो एनर्जी फ्लो के लिए जो फूड चेन है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है ग्रेजिंग फूड चेन और एक है डेट्रिटस फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन। अब जो चेन है वो फीडिंग रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, अब वो चीज कौन किसको खा रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो, और वो एक फूड चेन बनाते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन में कौन सा चेन आएगा? जो स्टार्ट होता है ग्रास से, है ना, टेरेस्ट्रियल जो सिस्टम है उसमें ग्रास से जो फूड चेन स्टार्ट होता है उसको कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। और डेट्रिटस जो फूड चेन है वो किससे स्टार्ट होगा? डेट्राइटस का क्या मीनिंग बताया था मैंने? बताएंगे कोई भी? मैम, ये डिटेरियोट से मिलता जुलता कुछ लग रहा है, शायद जो डिकम्पोज होने वाला है वहां से है शायद। हाँ, डिकम्पोज कौन से होते हैं? जो डेड एनिमल्स होते हैं ना, डेड एनिमल्स हो सकते हैं या वेजिटेशन हो सकता है, जो डेड, जो लाइव नहीं है ना, जो मर गए हैं, तो उस पे भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं, तो उनका एक अलग साइकिल होता है। तो ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन, ये दो फूड चेन है, एक लिविंग ग्रास के ऊपर है, और ग्रास मतलब कि वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, ट्रीज भी हो सकते हैं, और डेट्राइटस में कौन से होंगे? जो डेड एनिमल्स हैं, जो डेड हो गए हैं, वो पत्ते भी हो सकते हैं, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सेम ही चेन यहाँ पे बताई है जो मैंने आपको पहले बताई थी। अब इसको देख लेते हैं कि किस तरह से ये चेन चलती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, फर्स्ट ग्रेजिंग फूड चेन, हियर प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है दे आर फीड ऑन लिविंग प्लांट्स, है ना, प्लांट उनका जो है वो प्रोड्यूसर होगा। उसका प्राइमरी कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, गोट हो सकता है, डियर हो सकता है, या और भी जो एनिमल्स हैं, रैबिट हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है, या फिर ये इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो सकता है? मैन भी हो सकता है, क्योंकि हम भी कार्निवोरस हैं, हर्बीवोरस भी हैं, कार्निवोरस भी हैं, दोनों ही चीजें हम खा लेते हैं, वेज नॉन वेज दोनों, तो मैन भी हो सकता है। अब जैसे ये कैटरपिलर को यदि इस बर्ड ने खाया तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, है ना, ये आपका कैबेज को इसने खाया तो कैबेज जो है वो प्रोड्यूसर हो जाएगा। ठीक है, इट इज ईटन बाय सम इंसेक्ट, तो वो आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। इस बर्ड को किसी और ने खाया तो वो टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ग्रेजिंग फूड चेन है। और डेट्राइटस फूड चेन कौन सी होगी? द प्राइमरी कंज्यूमर फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर कोई भी हो, चाहे वो वेजिटेशन, प्लांट्स का कोई हो, या फिर वो डेड एनिमल हो। सो डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगनिंग ऑफ, मतलब हाँ, इसको ये कह सकते हो कि डेथ, किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ जो है वो किसी और फूड चेन की बिगनिंग हो सकती है। जैसे कि ये डेड लीव्स हैं, अब इसमें वो ढाउ बग्स हैं, मतलब जो भी
कीड़े हैं जो इन्हीं के ऊपर सरवाइव करते हैं, वो इसको खा लेंगे। अब ये इंसेक्ट्स को बर्ड्स भी खा सकते हैं, कोई और जानवर भी खा सकता है ना। तो वो हो गए आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, और ये हो गए आपका जो प्रोड्यूसर है। इनका प्रोड्यूसर कौन होगा? डेड, डेड एनिमल, डेड ऑर्गेनिक मैटर, मोर करेक्टली यू कैन सी लाइक दैट। अब एनर्जी फ्लो जो है वो पढ़ लेते हैं। अब डेट्रिसेस के, डेट्राइटस के बारे में जैसे कि बताया कि दे आर द मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स, जो सेप्टोट्रॉप्स होते हैं सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई बैक्टीरिया कहाँ लगते हैं? जो कि सड़ने वाली जो चीजें होती है ना, एक ही जगह आपने रख दी उसको, तो धीरे धीरे उनका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो गलने लग जाती है ना। थोड़ा सा ह्यूमिडिटी उनमें रहती ही है क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट उनमें है ही है, थोड़ा सा बाहर की हवा और ऐसा कुछ हो, तो कुछ चीजें आप देखो कि फ्रिज के बाहर यदि आप रख दो तो वो सड़ने लग जाती हैं। सड़ती कैसे हैं? और धीरे धीरे वहां पर ये फंगस जो है वो डेवलप होने लग जाता है। और ऐसे ही कोई या दूसरी कोई यदि घास वास और ये सब है तो यहाँ पर वहां पर ये इस तरह के मशरूम्स जो है वो पैदा हो जाते हैं फंगस से। ठीक है, तो अब ये इसको सड़ा देते हैं क्योंकि ये एक ऐसा एंजाइम्स बनाते हैं, सीक्रेट करते हैं, जो कि इनको ब्रेक डाउन कर देता है, इनका जो डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में, और फिर ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और यही चीजें इनको एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स देती हैं। ठीक है, अब एनर्जी फ्लो देख लेते हैं। इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, जीएफसी, जीएफसी को क्या बोला गया है? क्या है जीएफसी? ग्रेजिंग फूड चेन, हाँ, ग्रेजिंग फूड चेन। फर्स्ट वाला फूड हाँ, नहीं फुल फॉर्म बोलना है, ग्रेजिंग फूड चेन, वो जिससे आप मेमोराइज कर लोगे पढ़ते पढ़ते। तो ये जो ग्रेजिंग फूड चेन है, दिस इज द मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो। मेजर कंडक्ट है वो क्या है? ये है ना, प्लांट्स, ग्रास या फिर ट्रीज, श्रब्स, ये सब चीज है, ये मेजर कंडक्ट है। टेरेस्ट्रियल सिस्टम में मच अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो विल बी थ्रू डीएफसी देन थ्रू जीएफसी। देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देने की के लिए है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो तो खैर है ही हैं, लेकिन साथ में जो डेट्राइटस फूड चेन है वो उससे एनर्जी ज्यादा फ्लो होती है एज कम्पेयर टू जीएफसी। तो डीएफसी मे बी कनेक्टेड विद जीएफसी एट सम लेवल, ऑफ कोर्स वो सम लेवल पे तो कनेक्ट है क्योंकि जो भी डेड हुआ है वो कभी ना कभी तो लिविंग था ही था, और यदि वो लिविंग था तो उसने भी कुछ चीजें को इनटेक किया ही होगा और फिर जा करके उसको एनर्जी मिली होगी, वो ग्रो किया होगा, और उसके बाद में एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ सम रीजन वो डेड हो गया होगा। ठीक है, तो एनिमल्स लाइक क्रॉकरोचेस, क्रो, ह्यूमन एक्सेट्रा आर ओमनीवोरस। ओमनीवोरस इनको इसलिए बोला गया है कि ये दोनों तरह की चीजें का इंटेक कर लेते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है फूड चेन का, ये एक फूड वेब बना देता है ना। चेन मतलब एक वन बाय वन बाय वन, और वेब का मतलब है कि हर इंटर रिलेशन बिटवीन देम, क्योंकि एक जरूरी नहीं है कि ये जो बटरफ्लाई है उसको फ्रॉगी खाएगा, या इसको कोई ड्रैगन फ्लाई या कोई और दूसरा बड़ा इंसेक्ट ही खाएगा, ये जरूरी नहीं है, है ना। या फिर लिजार्ड ही खाएगा बटरफ्लाई को, कोई भी खा सकता है। तो ये एक वेब की तरह बन जाता है ना, इंटरकनेक्टेड है ये एक दूसरे के लिए, क्योंकि एक हम जैसे हम ह्यूमन है तो हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं, बाकी सब चीजें, डेयरी प्रोडक्ट्स भी हम यूज कर लेते हैं, और नॉन वेज जो खाते हैं वो भी खा लेते हैं। तो एक तरह से ये एक जाल बनता है, जैसे कि यहाँ पे है कि कॉर्न का प्लांट है, अब इसको ग्रास हॉपर ने खाया, अब इस ग्रास हॉपर को एक फ्रॉग भी खा सकता है, रेट भी खा सकता है, इस रेट को एक स्नेक भी खा सकता है, एक जो बिग बर्ड है ईगल ये भी खा सकता है, एक वोल्फ भी खा सकता है, फ्रॉग को भी कोई भी खा सकता है। ठीक है, और ये जो फ्रॉग है ये इंसेक्ट को भी खा सकता है, बटरफ्लाई को भी खा सकता है, एक फ्रूट फ्लाई को भी खा सकता है, ड्रैगन फ्लाई को भी खा सकता है, और इस फ्रॉग को ईगल भी खा सकता है। ठीक है, अब ये जो वॉल्फ है, जरूरी नहीं है कि ये एक ही चीज खाए कि भैया रैट ही खा रहा है ना, ये जो क्या कहते हैं ईगल,
ईगल तो खैर इसमें ये बताया गया कि ईगल इसको खा रहा है, बर्ड को भी खा सकता है, ठीक है, यदि ये डेड है तो ये भी इसका फूड जो है वो ईगल के लिए इसका ये फूड हो सकता है यदि ये मर गया है तो, ठीक है। और ये बर्ड है, बर्ड जो है वो इंसेक्ट को भी खा सकती है, ड्रैगन फ्लाई को भी खा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से अब ये मैंगोज हैं, मैंगोज के जो ट्रीज होते हैं इसमें ये फ्रूट फ्लाइज जो हैं, बीज हैं, ये सब उनका फूड है ना। तो इस तरह से ये एक वेब बन जाता है, तो इसी को इन्होंने फूड वेब वेब बोला है। अब एनर्जी फ्लो किन किन के बीच में होता है, भाई जो इनटेक करेगा उनके बीच में एनर्जी फ्लो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी नहीं होंगे ये, प्रोड्यूसर ही होंगे, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर ही होंगे। प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं और टर्शनरी कंज्यूमर होते हैं। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो किस पे डिपेंड करेगा अपने फूड के लिए, प्रोड्यूसर पे। सेकेंडरी कंज्यूमर किस पे डिपेंड करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर पे। सेकेंडरी और टर्शरी किस पे डिपेंड करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट लेवल, ये जो फर्स्ट लेवल है ना ये बस फिक्स है, बाकी जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये कोई भी हो सकते हैं, उस पे फीड करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस चीज को खा रहे हैं वो उस तरह के कंज्यूमर कहलाए जाएंगे, ठीक है। अ स्पेसिफिक प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन इज नोन एज देयर ट्रॉपिक लेवल। अब कौन से ट्रॉपिक लेवल पे वो हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर सॉरी प्रोड्यूसर के लिए तो फिक्स है कि वो हमेशा जो है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे रहेंगे ऑलवेज, क्योंकि दे आर द प्रोड्यूसर्स। लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा प्राइमरी में रहेंगे, सेकेंडरी हमेशा सेकेंडरी में रहेंगे, ये डिपेंड नहीं करता, ये इस पर डिपेंड करता है कि उन्होंने किसको फूड अपना बनाया है, ठीक है। तो फर्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल है वो होता है प्रोड्यूसर्स का। अब प्रोड्यूसर कौन कौन से होते हैं, भाई टेरेस्ट्रियल में ग्रास और ट्रीज होंगे, एक्वेटिक में फाइटोप्लांकटन होंगे। सेकेंड में क्या होता है, अब ये फाइटोप्लांकटन जो होते हैं ये जो पानी में होते हैं इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जिनका फूड ये फाइटोप्लांकटन है, तो ये जू प्लांकटन उनको बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे से जीव होते हैं। और ग्रास के ऊपर ग्रास होपर होते हैं, ग्रास को काऊ भी खाती है, ग्रास को आपका हिरन भी खाता है, ठीक है, और भी एनिमल्स खाते हैं, गोट भी खाती है, बफेलोज भी खाते हैं, ठीक है। अब थर्ड जो ट्रॉपिक लेवल है वो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स का, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है जनरली हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है, तो इनको हमने प्राइमरी कंज्यूमर्स बोला। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और ट्रीज को खाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को, उन एनिमल्स को, उन क्रिएचर्स को ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है। वो बर्ड्स भी हो सकते हैं, फिशेस भी हो सकते हैं, वोल्फ भी हो सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जो है वो लास्ट है, इसमें कोई भी आ सकते हैं, तो इसको टर्शरी कंज्यूमर कहा है, क्यों, क्योंकि ये कौन किसको कंज्यूम कर रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम कर रहे हैं। अब मैन का डिपेंड करेगा कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, वो बर्ड्स को फिश को खा रहा है तो वो टर्शरी कंज्यूमर हो गया, यदि वो ग्रास को या ट्रीज से जो हमें मिलती हैं चीजें उसको खा रहा है तो फिर वो हर्बीवोरस यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से जो आप इनटेक करते हो वहां से ही आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वहीं से ही आपको एनर्जी मिलती है, क्योंकि फूड जो है वो आपको एनर्जी ही देगा, है ना, तभी आप फूड का इनटेक करते हो। तो एनर्जी फ्लो जो है थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स किस किस तरह से होता है ये देख लेते हैं कि इसमें ये ध्यान रखना है कि आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो तो जो भी आप चीज कंज्यूम कर रहे हो वो 100% एनर्जी आप काम के लिए या अपने ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए पूरा 100% यूज नहीं करते, कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट भी हो जाती है, जिसको कि हमने एक टर्म दे दिया हीट। हीट में वो कुछ एनर्जी जो है वेस्ट हो जाती है, कुछ एनर्जी हम अपना खुद यूज कर लेते हैं, और कुछ एनर्जी जो है वो जो जो ऑर्गेनिजम्स उसको कंज्यूम करते हैं वो उनके लिए भी मिलती है, उनको भी मिलती है, तभी वो उसका इंटेक कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे सन से शुरू होता है साइकिल, तो
तो सन का कुछ रेडिएशन पार्ट इस प्लांट ने यूज किया और बाकी हीट की तरह हीट में वो निकल गया या वेस्ट हो गया। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में क्या आ गए, प्लांट्स आ गए। अब इस प्लांट को किसने खाया, इस कैटरपिलर ने खाया। तो इस ये अपनी पूरी जो भी एनर्जी इसने बनाई उस फूड से, वो पूरी की पूरी इस कैटरपिलर को नहीं देगा, है ना, कुछ अपने लिए रखेगा, कुछ हीट में वेस्ट हो जाएगी और कुछ पार्ट इसको मिलेगा। अब इसके पास जो एनर्जी बनी, है ना, ये इस समय कौन से लेवल का है, प्रोड्यूसर के बाद में ये प्राइमरी कंज्यूमर है ना, हर्बीवोरस है क्योंकि इसने प्लांट को खाया है। अब इसको जो बर्ड या जो भी एनिमल इसको खाएगा वो कौन कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, जो कि कार्निवोरस है क्योंकि इसने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाया है। अब इसने जो एनर्जी बनाई है इस जो फूड ले करके, वो सारी की सारी एनर्जी इसमें ट्रांसफर नहीं होगी, कुछ एनर्जी खुद अपने पास रखेगा, कुछ हीट में चली जाएगी और कुछ एनर्जी इसको मिलेगी। इसी तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एनर्जी का फ्लो होता है। तो इसी को आगे और पढ़ लेंगे, इसके पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, कैसे कैसे डिक्रीज होती है हमने अभी देख लिया, क्योंकि 100% तो वो ट्रांसफर नहीं होगी, खुद वो कुछ एनर्जी जिसने बनाई है उस फूड को लेके वो अपने पास रखेगा अपने ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए, और कुछ एनर्जी जो है वो बची रहेगी, उसमें से कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी और कुछ एनर्जी जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो उसको खाएगा उस पे ट्रांसफर होगी, ठीक है। सो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज इट बिकम डेड बायोमास, वो डेट्रिटियस डिट्राइटस हो जाएगा, उसको हम डिट्राइटस हमने यहाँ पे एक वर्ड दिया है, डेड बायोमास, है ना, वो जो मास है वो डेड हो गया है, उसमें कोई लाइफ नहीं बची, उसको हमने वर्ड दिया है डिट्राइटस। नाउ इट इज द एनर्जी सोर्स फॉर डिकम्पोजर्स। अब ये ऐसा नहीं है कि वो मर गया तो अब वो कुछ एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। डिकम्पोजर्स के लिए उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बचे हुए हैं वो उसको एनर्जी देंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, और उसी को हमने क्या बोला है, डिट्राइटस फूड चेन, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट लोअर ट्रॉपिक लेवल फॉर एनर्जी। ऑब्वियसली लोअर जो ट्रॉपिक लेवल है उसको हायर ट्रॉपिक लेवल वाले एनिमल्स को खाते हैं, तो वो क्यों खाएंगे, क्योंकि उनको भी सर्वाइव करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत है ना, फूड की जरूरत है, एंड फूड फॉर एनर्जी। ऑलराइट, जैसे कि थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इन अ ट्रॉपिक लेवल एट गिवन टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप, मतलब जब लिविंग मटेरियल है ना एक पर्टिकुलर लेवल पे, तो उसको हमने कहा है स्टैंडिंग क्रॉप, एंड इट इज मेजर्ड एज बायोमास। बायोमास क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर का जो भी मास है, जो भी वेट है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको हमने कहा है बायोमास, और नंबर इन यूनिट एरिया, या फिर हम उसको नंबर में एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर का है, या तो उस नंबर से हम उसको मेजर करेंगे या फिर उसके वेट से मेजर करेंगे, ठीक है। एंड बायोमास ऑफ अ स्पीसीज इज मेजर इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। ड्राई वेट इसलिए बोला गया है, ड्राई वेट मतलब कि एक्चुअल वेट उसका कितना है ना, उसमें पानी वानी डाल दिया तो फिर वो पानी का भी वेट उसमें कंसिडर होता है, तो इसलिए ड्राई वेट मतलब उसका ओरिजिनल वेट और फ्रेश वेट जो है वो हम मेजर करेंगे। तो ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट बिकॉज इट इज एग्जैक्ट मास ऑफ द बॉडी विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है ये कि नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन जीएफसी इज रिस्ट्रिक्टेड एज इट फॉलोज 10% लॉ। 10% लॉ का क्या मतलब है कि ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। हायर ट्रॉपिक लेवल पे जितना आप जाते जाओगे तो जो हायर ट्रॉपिक लेवल के जो भी ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड किस पे करेंगे, उससे जस्ट बिलो जो ट्रॉपिक लेवल पे जो भी एनिमल्स हैं ऑर्गेनिज्म है उस पे डिपेंड करेंगे। एनर्जी ट्रांसफर भी ऑब्वियसली वहीं से ही होगी, तो कितनी होती है, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द लोअर लेवल। अब इसमें हम देख लेते हैं, और इसी को पिरामिड से हम समझते हैं, पिरामिड के फॉर्म करके,
और फिर उसका स्टडी करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम ग्राफ्स बनाते हैं ना, बहुत बहुत तरह के, किसी भी चीज को समझने के लिए ऐसे ही इकोलॉजिकली पिरामिड्स बनाते हैं कि एनर्जी को या बायोमास को समझने के लिए कि कौन सा लेवल कहाँ है, कौन किस पे डिपेंड करता है, कहाँ से कैसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट जो चीज है पिरामिड को समझने के लिए, ये है इसका एपेक्स। ठीक है, ये है इसका पॉइंट, हायर पॉइंट जो है, और ये है इसका बेस। पिरामिड का मतलब समझ में आता है ना, पिरामिड का मतलब क्या है? थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ अ ट्राइंगल, ये आप समझ सकते हो। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फूड चेन इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड, उसको हमने कहा है इकोलॉजिकल पिरामिड। द बेस ऑफ द पिरामिड रिप्रेजेंट्स द प्रोड्यूसर्स, जो बेस है ना, जिसपे सब चीजें डिपेंड करती हैं, तो वो बेस हो गया। तो बेस जो है वो कौन से होंगे फूड चेन के लिए? प्रोड्यूसर्स होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, इसी पे आगे के हायर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं। ठीक है, द एपेक्स रिप्रेजेंट्स टर्शरी और टॉप लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। यहाँ पर जो ये टॉप लेवल है उसमें टॉप कंज्यूमर्स होंगे, जिसको हमने टर्शरी बोला है। टर्शरी के बाद में हम उसको डिफाइन नहीं करते, क्योंकि नियर अबाउट वो एक ही तरह के एनिमल्स होंगे जो कि नीचे वालों को खाते हैं या फूड के लिए उन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो है वो थ्री टाइप्स के हैं, डिपेंडिंग कि आप किसका पिरामिड बनाना चाह रहे हो, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। इन तीन तरह से हम इकोलॉजिकल पिरामिड को बना सकते हैं। नंबर में क्या होगा, नंबर में आप किस चीज का बना रहे हो उसके नंबर को कंसिडर करेंगे। एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, है ना, वो नंबर को लेके आप पिरामिड बना सकते हो। फिर उसके ऊपर डिपेंड करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसका भी आप नंबर ही लोगे, उस पर डिपेंड करने वाले जो हायर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं उनका भी आप नंबर ही लोगे। बायोमास में क्या करेंगे हम, उनका वेट लेंगे, उनका मास लेंगे, है ना, लोअर लेवल पे कितना मास होगा, उसके ऊपर कितना, उसके ऊपर कितना, मतलब वेट का कंसिडर करेंगे। और पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या होगा कि उनकी एनर्जी ट्रांसफर किस बेस पे है, उस बेस पे हम उस पिरामिड को डिजाइन करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पिरामिड इन्होंने बनाया है पिरामिड ऑफ नंबर। अब ये जो पिरामिड है ये अपराइट भी होता है, अपराइट मतलब एपेक्स ऊपर और इनका जो बेस है वो नीचे, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन्वर्टेड भी होता है, एपेक्स नीचे और बेस ऊपर, डिपेंड करता है कि किसका नंबर या किसका वेट ज्यादा है या कम है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि बेस में हमने क्या लिया है, यहाँ पे ग्रास है, प्राइमरी प्रोड्यूसर ग्रास है, तो ग्रास का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसको हमने एक बड़े से इस रेक्टेंगल से शो किया है कि दिस इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रैबिट को लिया है कि रैबिट जो है ये घास खा रहा है। अब घास की क्वांटिटी या नंबर को आप देखो और रैबिट को देखो, तो रैबिट आर फार लेस एज कम्पेयर टू द प्रोड्यूसर। ऑब्वियसली हमेशा प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ज्यादा होंगे कंज्यूमर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नंबर कम है, तो इसीलिए इसका जो जो लेंथ है वो इसकी प्राइमरी कंज्यूमर्स की कम होगी एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अब इन रैबिट्स पे कौन डिपेंड कर रहा है, यहाँ एग्जाम्पल ले लिया है स्नेक्स का, तो स्नेक्स का जो नंबर है वो इन रैबिट से कम है, तो इसीलिए ये सेकेंडरी कंज्यूमर आ गए और इसका जो लेंथ और वो है वो कम होगी। ब्रेड तो इनकी सबकी सेम ही रहती है, क्योंकि एक फिगर को एक प्रॉपर बेस देने के लिए। एंड देन ये हॉक्स हैं, ठीक है, ये ईगल भी हो सकते हैं, वल्चर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इनका नंबर इनसे कम है, तो ये हो गए आपके टर्शरी कंज्यूमर्स। यहाँ पर ये इस तरह से इन्होंने एक रफ फिगर नंबर्स को बताया है, पर जनरल वे में आप ये समझ सकते हो कि जो ग्रास है वो बहुत ज्यादा है, रैबिट उससे कम है, और जो स्नेक्स हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर है ये प्राइमरी कंज्यूमर से कम है, और
इसके बाद में टर्शरी कंज्यूमर्स इससे भी कम है। जैसे हमने पढ़ा था ना पहले भी कि जो रिसोर्सेस हैं उसके हिसाब से पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है। रिसोर्सेस यदि अनलिमिटेड होंगे तो पॉपुलेशन भी अनलिमिटेड हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। रिसोर्सेस लिमिटेड हैं इसलिए पॉपुलेशन भी लिमिटेड है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी कंज्यूम करते हैं, उससे ज्यादा जो है उनके पास फूड है, तभी वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक जो है पिरामिड बना। किसका? पिरामिड ऑफ नंबर। कौन सा बना? अपराइट। इसको क्या बोलेंगे? अपराइट पिरामिड, क्योंकि एपेक्स इज ऊपर, बेस जो है वो नीचे है। ठीक है, बायोमास का पिरामिड आप देख लेते हैं। तो बायोमास का जो पिरामिड है, देखो आप यहाँ पर बायोमास का क्या मतलब बताया था मैंने कि वेट है ना, कि वेट कितना है। हाँ, स्पेशली ड्राई वेट हम कंसिडर करते हैं क्योंकि दिस इज द एग्जैक्ट वेट जो कि कांस्टेंट होता है। तो इसलिए इट शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल्स पे। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर यदि आप घास वास ले रहे हो, तो अब यहाँ से इसी का ही यदि आप मास के कंपैरिजन से भी बनाओगे, तो जो घास का है, जो ग्रास का है, या जो जो वेजिटेशन का जो मास है वो बड़ा है, और उससे ऊपर इसका मास, और उसके ऊपर इसका वेट, और उससे ऊपर इसका वेट, क्योंकि ये नंबर में कम होते चले जाते हैं ना। नंबर में कम होते चले जाएंगे तो इनका मास भी कम होता चला जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि कहाँ का बायोमास आप ले रहे हो। इसमें एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो एक्वेटिक या ओशन का जो इकोसिस्टम है, उसमें यदि आप बायोमास का बनाओगे, तो ये जो जू प्लैंकटन है ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये फाइटोप्लैंकटन पे डिपेंड करते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। तो इनका जो वेट है ना, ये बहुत 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 कम होता है, और उसके ऊपर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जू प्लैंकटन, ये एक्चुअली एक यूनिट एरिया के बारे में बात हो रही है ना। एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, जैसे कि 1 मीटर या 1 किलोमीटर, उसमें कितना है, उस हिसाब से ये पिरामिड्स हमने डिजाइन किए हैं। तो उस एरिया में, पर्टिकुलर में, कितने फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, कितने जू प्लैंक्टन्स हैं, और इन जू प्लैंक्टन्स के ऊपर क्या होंगे? फिशेस होंगी ना, छोटी छोटी फिशेस होंगी, और छोटी फिशेस को खाने वाली थोड़ी बड़ी होंगी, फिर थोड़ी बड़ी को खाने वाली और बड़ी होंगी। तो मास क्या होगा? हमेशा बढ़ता चला जाएगा, है ना, क्योंकि इसका वेट तो बहुत ही कम है। तो इसीलिए ये इन्वर्टेड पिरामिड होता है बायोमास का। तो जो बायोमास का पिरामिड है वो अपराइट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, अब है एनर्जी। अब एनर्जी का जो पिरामिड है, इट इज ऑलवेज ऑलवेज अपराइट। इसका एपेक्स हमेशा ऊपर होगा, बेस हमेशा जो है नीचे होगा। क्यों नीचे होगा? क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूसर के पास होती है। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को यदि वो खाता है या उसका जो फूड है, उससे उसको 100% एनर्जी नहीं मिलती है, कम मिलती है। ठीक है, अब जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर किस पे डिपेंड करता है? सनलाइट पे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पे 1 मिलियन जूल्स सनलाइट जो है वो ग्रास को मिल रही है। अब ग्रास को एक इसका रूल है, वो हम आगे की स्लाइड में देख लेंगे, जिसको कि लिनमैन्स रूल कहा गया है, कि कोई भी जो ट्रॉपिक लेवल पे है, लोअर ट्रॉपिक लेवल पे और हायर ट्रॉपिक लेवल पे, उसमें 10% एनर्जी का डिफरेंस होता है। मतलब जो इंटेक ऑर्गेनिज्म का वो कर रहा है, वो सिर्फ 10% जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, बाकी की एनर्जी वो अपने पास रखेगा और कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका 10% आपने निकाला, तो ये बना 10,000। ठीक है, अब इस जूल्स जो ये 10,000 जूल्स है, ये जो एनर्जी है ये किसकी है? ये प्राइमरी प्रोड्यूसर की है। अब इसको खाने वाले कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर्स है। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर को ये पूरी की पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी, इसका 10% ही मिलेगा, विच इज 1,000। अब इस 1,000 का
को जूल्स को इस प्राइमरी कंज्यूमर के पास में इतनी एनर्जी है, तो इसको कंज्यूम करने वाले कौन से हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, तो इनको इसका 10% मिलेगा, मतलब कि 100 जूल्स मिलेगा, और इसका 10% जो है वो टर्शरी कंज्यूमर्स को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा ऐसे ही बनेगा, क्योंकि लोअर ट्रॉपिक लेवल से जब हम हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाएंगे तो एनर्जी फ्लो जो है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इस तरह से बनेगा। ये देखो है ना, इसको यहाँ पे आप समझ लो कि जैसे कि इसके पास 100% है, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास इसका 10% आया, इसका 10% यानी कि 1% सेकेंडरी के पास गया, इसका 10% यानी कि 0.1% जो है वो थर्ड लेवल पे गया, और इसका भी 10% मतलब कि 0.01% जो है वो लास्ट में जो प्रेडेटर होगा, जो भी इसको कंज्यूम करेगा उसके पास जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। एनी कैलकुलेशंस ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर हैज टू बी इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स एट दैट ट्रॉपिक लेवल, एंड ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल नॉट अ स्पीसीज एज सच। जो मैंने आपको बोला कि एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे कौन एग्जिस्ट करता है कौन नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि वो क्या इनटेक करेगा ना, उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। इट्स नॉट दैट कि वो पर्टिकुलर स्पीसीज हमेशा उसी लेवल पे रहेगी, है ना। इट मे ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल एज सच। जैसे कि स्पैरो का एग्जाम्पल दिया है, अभी स्पैरो ने यदि घास का कुछ खाया तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, यदि इसने आ, आ, उसका सीड खा लिया या ऐसे फ्रूट वगैरह खा लिया तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, लेकिन यदि उसने इंसेक्ट को खाया जिसने उस ग्रास को खाया था तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डिपेंड करेगा कि किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को या स्पीसीज को किस लेवल पे रखा जाए। और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इन मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स ऑल द पिरामिड्स आर अपराइट, दैट इज प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द हर्बीवोरस, एंड हर्बीवोरस आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द कार्निवोरस। ठीक है, ऑल्सो एनर्जी एट अ लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन एट हायर लेवल। ये अभी अपन ने डिस्कस कर लिया, इसको एक बार और इन्होंने इस तरह से रिवाइज कर दिया। अब नंबर के बारे में जो है वो हमने अभी जो पढ़ा था वो अपराइट पिरामिड पढ़ा था ना, जिसमें कि घास बहुत है और उसके ऊपर जो अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब यदि प्रोड्यूसर एक ट्री है, अब ट्री का या और इसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स इंसेक्ट्स और वो सब चीजें हैं, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं इस ट्री का, तो ये नंबर में ज्यादा है और ये ट्री जो है वो एक नंबर की है, एक ही है नंबर में, और इसके ऊपर जो डिपेंडेंट करते हैं जो कंज्यूमर्स वो नंबर में बहुत ज्यादा ज्यादा हैं, तो उस केस में ये जो पिरामिड ऑफ नंबर है ये क्या होगा? इन्वर्टेड पिरामिड होगा। डिपेंड करेगा कि प्रोड्यूसर डिपेंड करेगा कि प्रोड्यूसर जो है उसका आप कितना नंबर ले रहे हो। ठीक है, यदि एक ट्री ले रहे हो आप और नंबर पिरामिड ऑफ नंबर्स आपको बनाना है, और ये कहा गया कि उस पिरामिड पे जो जिसका जीवन चल रहा है, नंबर ऑफ जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो बर्ड्स हैं या फिर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, तो उस केस में यदि नंबर पे बनाओगे तो उस केस में ये जो नंबर है इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा, क्योंकि ये एक है और इस पे रहने वाले जो हैं बहुत सारे हैं, और इनके इनके ऊपर जो है बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके बॉडी के ऊपर या इसके ऊपर, तो ये और भी ज्यादा हैं, और इसके ऊपर और ये पैरासाइट्स के ऊपर चले गए हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नजर नहीं आते हैं और जो मिलियंस में होते हैं। तो नंबर पे यदि आप देखोगे तो फिर ये बेस जो है इसका ऊपर में जो है वो ज्यादा हो जाएगा। नंबर के हिसाब से ट्री एक है और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मिलियंस में हैं, तो ये इस तरह से इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा। एक्वेटिक सिस्टम का हमने बता दिया कि हमेशा जो है वो ये क्या कहते हैं, ये शायद मास का होगा इन्वर्टेड पिरामिड। हाँ, इकोसिस्टम का मास के ऊपर है कि फाइटोप्लैंक्टन्स हैं
और उसके ऊपर जू प्लैंकटन्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके ऊपर जो है वो स्मॉल फिशेज हैं, है ना, और इसके ऊपर डिपेंड करती हैं वो कार्निवोरस जो कि फिशेस को खा रही हैं, बड़ी बड़ी फिशेस को, और भी बड़ी बड़ी फिशेस। तो बायोमास के यदि हम देखें तो बायोमास के उस रिलेशन में ये इन्वर्टेड पिरामिड होगा, ठीक है। एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस एज हीट, एंड ऑल्सो सम जो एनर्जी है वो जो प्रोड्यूसर है या जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो अपने लिए भी रखेगा, ठीक है। तो जो ट्रांसफर करेगा एनर्जी वो हमेशा कम होगी। मैम एक क्वेश्चन है मेरा मैम, हाँ बोलिए, पिछली स्लाइड एक बार आप जाएंगे दोबारा से? कौन सी वाली? यही वाली मैम जो अभी लास्ट बिल्कुल आपने पढ़ाई है, इन्वर्टेड पिरामिड था मैम जिसमें। हाँ, ये हाँ मैम, ये हाँ जी, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स जो दिखाया है इसकी मैम, हमें इन्वर्टेड पिरामिड की क्या मतलब एज सच क्या नीड है? क्योंकि अभी तक हम नंबर्स वाला जो हमने पीछे पिरामिड देखा था तो उसमें अपराइट जा रहा था ना, पीछे भी जो हमने देखा था इसे। हाँ अपराइट जा रहा था, क्योंकि देखिए उसमें आपने प्रोड्यूसर क्या लिया था, ग्रास को लिया था, है ना। तो ग्रास एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में तो नंबर ऑफ ग्रास है ना, उसको आप काउंट भी नहीं करते, इतनी सारी होंगी, ठीक है। नंबर यदि बनाते हैं तो ठीक है, तो वो बहुत सारी है ठीक नंबर में, इसीलिए उसका बेस, और उसके ऊपर जो इंसेक्ट्स हैं उनका नंबर कम होगा, उस इंसेक्ट्स के ऊपर जो बर्ड्स हैं उनका नंबर और कम होगा, तो इस तरह से वो अपराइट था, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर ट्री के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं या बर्ड्स हैं या जो भी हैं, वो बहुत ज्यादा है नंबर नंबर, ठीक है। तो ट्री तो एक ही है, ट्री तो एक ही है, मतलब प्रोड्यूसर वो एक ट्री ही है, उस पर्टिकुलर बर्ड्स के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया या इंसेक्ट जो उस ट्री पे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ठीक इन्वर्टेड, ठीक है। हाँ है मैम, इसमें क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है मैम? क्वेश्चन यही आता है कि पिरामिड्स जो है वो अपराइट किसके होंगे, है ना, या फिर इन्वर्टेड किसका होता है, ऑलवेज अपराइट किसका होता है, या दोनों किस किस के हो सकते हैं, इस तरह से। अब जैसे एक्वेटिक बायोमास का हमेशा इन्वर्टेड होगा, और पिरामिड ऑफ नंबर्स डिपेंड करता है प्रोड्यूसर कौन है, और वो लिखा होगा क्वेश्चन में, हम कर लेंगे आगे, कि प्रोड्यूसर यदि एक ट्री है, ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो इसका पिरामिड कैसे बनेगा, ठीक है। और एनर्जी का ठीक है पिरामिड मैम, हमेशा राइट होगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि एनर्जी का ठीक है जो मैम, है वो ट्रॉपिक लेवल पे कम होता चला जाता है, क्योंकि एनर्जी वेस्ट हो जाती है ना, इसलिए। ऑल ओके राइट, मैम, लिमिटेशंस हैं ये हम देख लेते हैं एक बार, कि जो पिरामिड्स हैं इसके लिए कह रहे हैं कि इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉपिक लेवल्स, ये हमने डिस्कस कर लिया, कि डिपेंड करता है कि वो किस चीज का इनटेक करेंगे, उसके हिसाब से हम उसको उनको पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे रखेंगे। इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, क्योंकि सिंपल फूड चेन, क्योंकि आपको जनरलाइज करना पड़ता है जब आप किसी भी चीज को स्टडी करते हो, तो हमने एक जनरलाइज फॉर्म बना लिया, लेकिन हमेशा वही होगा ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर फूड वेब वो इसी तरह का फूड वेब होगा ऐसा नहीं है, वो कहीं भी किधर भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि कौन किससे एनर्जी ले रहा है, ठीक है। एंड लास्ट है, सेप्रोफाइट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इवन दो दे प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में ये प्ले तो करते हैं, लेकिन हमने इनको यूज नहीं किया। सेप्रोफाइट्स जो होते हैं ये एक तरह से आप कह लो कि डीकम्पोजर्स होते हैं, है ना, तो ये भी एक इकोसिस्टम में तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, वे डीकम्पोज भी तो कर रहे हैं उनसे, जैसे ये जो हमने क्या पढ़ा था फंजाई और वो सब, वो हम कहीं हम इस पिरामिड को लेते नहीं है, है ना। तो ये एक इसका लिमिटेशन है बस। अच्छा टाइम हो गया है आपका, ये दो स्लाइड्स ही बची हैं वैसे, चलो हम कल कर लेंगे, कोई नहीं। या आपके पास टाइम है अभी थोड़ा? हेलो।
कल कर लेते हैं मैम। कल कर लेते हैं, ठीक है, जी मैम, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल न्यूट्रिएंट साइकिल कर लेंगे। क्वेश्चंस आज रह गए हमारे, कल क्वेश्चंस भी करेंगे थोड़े बहुत। आप एक बार इसका जो पढ़ाया है, जो आपने थोड़ा बहुत भी नोट किया होगा, उसको आप बस थोड़ा सा देख लेना। सो हम कल थोड़ा सा एक रिव्यू भी कर लेंगे और ये जो रह गया है इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। मैम स्लाइड शेयर करते हैं प्लीज।